एक दिन ताऊ जी ने देखा बछड़े नीचे चल रहे थे, गायें शिखर पर चल रही थी। गायों ने बछड़ों को नीचे देखा और छलांग लगा दी, पहाड़ से कूद पड़ी मारा। ताऊ जी को महान आश्चर्य हुआ। तब तक ताऊ जी ने क्या देखा, बछड़े कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। तब ताऊ जी को शंका हो गई। ताऊ जी ने कोई दैवी माया है क्या, मैं देख रहा हूं। फिर इति संचिंत दास आ रहा हूं। तब भगवान ने श्री ताऊ जी को सब बात कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया है, उनको विवेक देने के लिए ऐसी लीला हमने की। इधर ब्रह्मा जी महाराज सोचे चले देखे क्या हो रहा है। आकर देखे तो वही लीला छीना झपटी की महाराज। मनसुखा ले आया था लड्डू, कन्हैया से कहा देखो घी का लड्डू है, अमुख में डाल दो। कन्हैया उसको पटक करके और उसके गाल को दबा करके महाराज उसके मुख से लड्डू निकाले और खाने। ब्रह्मा जी ने कहा ये देखो हम सोच रहे थे। अच्छा, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि वही बछड़े वही सखा सत्या के कतरे में थी, गुफा में गए तो बछड़े सो रहे हैं, सखा लोग सो रहे हैं और यहाँ देख रहे तो क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रजवासी लोग कहते हैं भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को बढ़िया से परीक्षा दे दी जाए। तो भगवान पर हम लोग पहुंच गए। सेवकों से कहा देख रहा है एक बहु रुपया आ रहा है, उसने मत देना। ब्रह्मा जी आए, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा ने कहा बड़े मूर्ख हो तुम लोग, हमारे सेवक हो हमें रोक रहे हो। सेवकों ने कहा भागते हो कि नहीं बहु रुपया, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, तू कहां से आ गया दूसरा ब्रह्मा, धक्का देके भगाया ना। अब ब्रह्मा जी की पोपड़ी चमक गई, राम राम कहां से कहां परीक्षा लेने गए। तब तक भगवान ने एक और लीला कर दी महाराज, ऊंट की सवारी का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊंट की सवारी जा रही है, पूछा कि कौन है तुम्हें नहीं मालूम? इस लोक के ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भगवान की परीक्षा लेने गए, फिर ये ब्रह्मा लोग जा रहे इंटरव्यू के लिए, ये सब ब्रह्मा लोग हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा है, अष्टमुख ब्रह्मा, षोडशमुख ब्रह्मा, द्वात्रिंशमुख, ये सब ब्रह्मा लोग है, लाइन से जा रहे हैं। सतमुख ब्रह्मा है, भगवान जिसको स्वीकार कर लेंगे। तब ब्रह्मा जी को लगा हे भगवान कहां से कहां हम परीक्षा लेने गए, अपनी गद्दी भी छिन गई महाराज। बड़े दुखी हुए ब्रह्मा जी। अंत में सखाओं को लाए हैं, बछड़ों को ले आए और 40 श्लोकों में महाराज ब्रह्मा जी ने स्थिति को सुना। एक श्लोक तो ऐसा है महाराज, ब्रह्मा जी कहते हैं त्वयि नाथे सती अहम नाथवान अन्यथा अनाथ एव श्याम। हे नाथ, आप मुझे स्वीकार कर लेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अन्यथा मैं अनाथ ही रह जाऊंगा। करहु मोहि ब्रज रेणु देहु वृंदावन वासा, मानो इहे प्रसाद और मेरे नहीं आसन, जो ही भाव है सोई करहु तुम लता शिला द्रुमगे, ग्वाल गाय को भृत करो मानी सत्य व्रत। लेकिन भगवान बोले नहीं। महात्मा लोग कहते 40 श्लोकों में स्तुति किया, डर गए ब्रह्मा जी, तीन ही परिक्रमा करके भग गए। 4 परिक्रमा भगवान की होती है, तीन ही परिक्रमा करके बेचारे भग गए। ब्रह्मा जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ हमने भगवान को भक्तों से अलग किया, वही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभा स्वामी जी के रूप में है। ये नाभा स्वामी जी ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। श्री अग्रदास जी महाराज की कृपा से फिर इन्होंने भक्तमाल की रचना करी है और जब भक्तमाल श्री ठाकुर जी को समर्पित किया है तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया,
दारू जी ने धेनु का सुर का वध किया। भगवान थोड़ा और बड़े हो गए तो भैया अब मैं बछड़े ले चलो। भैया ने गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन किया और आज हमारे कन्हैया गोपाल हो गोचारण करने लगे। एक दिन गाय चराते गए यमुना के किनारे काली दम गायों ने जल पिया, गाय मर गई। बछड़े सखा प्यासे थे, जल पिया वो भी मर गए। कन्हैया को लगा अब तो काली रथ को शुद्ध करना पड़ेगा। मन बना लिया महाराज आज दाऊ जी की जयंती है तो मैया ने रोक लिया दाऊ जी। दाऊ जी नहीं गए, भगवान ने कहा बढ़िया आज सवेरे निकल पड़े महाराज। काली दाह पर पहुंच गए महाराज, गायों को लगा दिया चरने में और भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे, जानबूझकर गेंद को फेंक दिया काली दम। श्रीदामा अकड़ कर खड़ा हो गया, हमारी गेंद ले आओ। भगवान ने कहा चलो दे देंगे, कहा नहीं अभी ले आओ, वही ले आओ। तो भगवान तो चाहते थे कोई बहाना बने ना, बस कमर कस लिया कदम ऊपर चढ़ गए और कदम ऊपर चढ़ करके अब ब्रजवासियों ने देखा श्रीदामा तो अकड़ा है क्योंकि भगवान ऐसी बुद्धि उसको दे रखे है, नहीं तो लीला नहीं बनेगी। बाकी सकाल कर रहे कन्हैया लौटाओ लौटाओ, तब तक भगवान ने एक छलांग लगा दी। काली दम में प्रभु कूद गए, नाग पत्नियों ने देखा रही इतना मनोहर बालक, अगर कहीं हमारे स्वामी जग गए जाओ जाओ भाग जाओ। देखो अभी अगर हमारे स्वामी जग गए ना तो फिर समझ लो भगवान ने एक लात काली नाग को मार। काली नाग क्रोध में तिलमिला गया है महाराज। इधर ब्रजवासी लोग पहुंचे हैं वहां नंद बाबा के यहां, लाल बाबा कन्हैया जमुना में डूब गए। अब सब पूरे ब्रजवासी दौड़े हुए आए हैं महाराज और कन्हैया तो पहले से दाऊ जी को छोड़ रखे थे महाराज, ये तो मानक बन गया था। दाऊ जी ने सबको रोक दिया, खबरदार आप लोग चिंता मत करो। तब तक महाराज काली नाग ने भगवान के शरीर को से निपट गया महाराज और भगवान का भगवान काली नाग को लिए बाहर आ गए। जिन जिन गोपियों ने देखा है महाराज काली नाग से लिपटे हुए गोविंद को सब बेहोश हो गए। दाऊ जी सबको पकड़े हैं महाराज, अंत में ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया है, काली नाग का शरीर चक चक करके टूट गया महाराज। अब भगवान अपने पैर से काली नाग का फन दबाने लगे, जो जो सिर यन्यन सिरो न नमते, जो सिर ऊपर का था उसी को पैर से दबाने लगे। अंत में भगवान काली नाग के फन पर चढ़ गए। आज कन्हैया काली नाग के फन पर तिलक रहे हैं, सभी अप्सराएं देवांगनाएं भगवान की झांकी का दर्शन कर रही हैं। चलो भाई श्री ठाकुर जी।